मध्य प्रदेश के खंडवा में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बता दें, खंडवा से इंदौर जा रही एक यात्री बस धनगांव के पास एक नाले की पुलिया में पलट गई। मिली जानकारी के अनुसार इस बस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल यात्रियों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। राहगीरों ने हादसे के बाद बस से लोगों को निकालकर नजदीक के अस्पताल भेजा। गंभीर घायलों को सनावद और खंडवा जिला अस्पताल भेजे जाने की जानकारी मिली है। मिली जानकारी के अनुसार रामश्री बस सर्विस की बस खंडवा से इंदौर की ओर जा रही थी। धनगांव के पास एक नाले पर बनी पुलिया पर अचानक वह पलट गई। बस के पलटने से बस में बैठे यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस में लगभग 60 यात्री सवार थे। हादसे के बाद वहां से गुजर रहे राहगीरों ने हादसे का शिकार हुए लोगों की मदद कर उन्हें बस से बाहर निकाला। सूचना मिलने पर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर नजदीक के अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। गंभीर रूप से घायल लोगों को खंडवा जिला अस्पताल और सनावद के सरकारी अस्पताल भेजे जाने की भी जानकारी मिली है। यह हादसा क्यों और कैसे हुआ, इसका पता लगाया जा रहा है।